अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एगलेस ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी। एनर्जी से भरपूर यह केक खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बनाना भी काफी आसान है। आज मैं इस केक को बिना अंडा बिना ओवन कढ़ाई पे बनाऊंगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 पीस ऑरेंज का जूस निकाल लिया है जो 1 कप के करीब है। अब इसमें कटे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें सोक कर देना है। 4 से 5 खजूर जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब चेरी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भूरी वाली किशमिश और साथ ही 1 टीस्पून काली किशमिश ऐड कर देंगे। कटे हुए नट्स है 1/4 कप ऐड कर देंगे। अभी इन्हें ऑरेंज जूस के अंदर सोक करके रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हमने एक फ्राई पैन में शक्कर लिया है 2 टेबल स्पून। शक्कर को हमें कैरेमलाइज करना है इसलिए इसे हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। इसमें पानी ऐड मत कीजिएगा वरना यह चाशनी बन जाएगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप यहाँ पे देखेंगे शक्कर पिघलने लगी है। यहाँ पे आप इसकी गोल्डन कलर देख सकते हैं। शक्कर अच्छी तरह कैरेमलाइज्ड हो चुकी है। फ्लेम कम कर देंगे तो इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फटाफट इसे मिक्स कर लेंगे ताकि यह जले नहीं। अब इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज जूस के अंदर सोख किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें पका लेना है जिससे कि सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह हमें ठंडा कर लेना है। अब हमें बटर मिल्क तैयार कर लेना है जिसके लिए हमने 1/2 कप दूध में थोड़े से लेमन जूस ऐड कर दिया है। तो यह देखिए बटर मिल्क बनकर हमारा रेडी है। अब एक बॉल में 1/4 कप बटर लेंगे मेल्ट किया हुआ। बटर की जगह पे आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं लेकिन बटर से इस केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही ऐड करेंगे 1/3 कप पीसी हुई शक्कर। अब इन दोनों को मिलाकर हमें अच्छी तरह से विस्क कर लेना है जब तक कि यह थोड़ा फ्लफी नहीं हो जाता। तो यह देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, 1 पिंच जिंजर पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा जायफल ऐड करेंगे ग्रेट करके। इस तरह केक के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इससे मार्केट वाला जो फ्रूट केक होता है ना उसके अंदर यह पाउडर जरूर से जाता है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब इन सारी चीजों को हमें छान लेना है। अब इस स्पैचुला की मदद से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब जो ड्राई फ्रूट हमने ठंडा होने के लिए रखा था यह अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिला देंगे इसे। यह अभी बहुत ही ज्यादा थिक है इसलिए जो बटर मिल्क हमने बना कर रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे। बैटर बनाने के लिए जितना इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से हमें इसमें ऐड करना है। मिला देंगे इसे। तो जितना हमने बटर मिल्क बना करके रखा था वो सारा इसके अंदर ऐड हो चुका है। मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून वैनिला एसेंस ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक का बैटर हमारा तैयार है। यहाँ पे केक टिन भी हमारा तैयार है। ऑयल से ग्रीस करके इसे हमने पहले ही रख लिया था। तो केक का सारा बैटर इसमें ट्रांसफर कर देंगे। 3 से 4 बार हल्का सा इसे टैप कर दें ताकि इसके अंदर का सारा एयर बबल्स बाहर निकल जाए और थोड़े से कटे हुए बादाम से इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। 5 मिनट पहले ही हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म करने के लिए रख दिया। केक टिन इसके अंदर डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए।
तो यहाँ पे पूरे 40 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ आपको। तो यह देखिए केक बहुत ही अच्छी तरह बेक हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। केक हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है, इसे अब हमें डीमोल्ड कर लेना है। इसमें का बटर पेपर हटा देंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है केक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे काट कर दिखाती हूँ आपको। तो यह लीजिए, बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट प्लम केक हमारी बनकर तैयार है। कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है यह। तो ट्राई जरूर कीजिएगा मेरी इस हेल्दी और टेस्टी केक की रेसिपी को। अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।